आज हम बात करेंगे दो ऐसे जीवों या मॉन्स्टर्स की जिसका वास्तविक दुनिया से तो कोई लेना देना नहीं है, पर ये दोनों जीव अगर सचमुच धरती में पाए जाते तो हो सकता है कि इस दुनिया का नक्शा ही बदल जाता और बहुत सारे दूसरे जीव भी धरती से विलुप्त हो जाते, क्योंकि इन दोनों जीवों के सामने ठीक से एक मिनट भी टिक पाना सामान्य जीवों की बस की बात नहीं थी। और ना ही पहले पाए जाने वाले सबसे खूंखार डायनासोर टीरेक्स भी इसके सामने ज्यादा देर तक टिक पाता। हम बात कर रहे हैं काल्पनिक तथा हाइब्रिड डायनो का सबसे शक्तिशाली जीव अल्टिमासोरस और सबसे शक्तिशाली काइजू में से एक तथा स्कल आइलैंड का रक्षक किंग कॉन्ग की। क्या हो अगर काल्पनिक दुनिया के ये दोनों शक्तिशाली जीवों की आपस में लड़ाई हो? इस युद्ध में अंततः किसकी जीत होगी और कौन अपनी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा? लेकिन उससे पहले दोनों के बारे में थोड़ा जान लिया जाए, ताकि ये समझना भी आसान हो जाए कि कौन सा जीव सबसे अधिक शक्तिशाली है। अगर हम बात करें अल्टिमासोरस की, जिसके नाम का मतलब अल्टीमेट लिजर्ड यानी सर्वाधिक शक्तिशाली छिपकली होता है, इस मॉन्स्टर को सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड केओस इफेक्ट में दिखाया गया था और इसके अनुसार अल्टिमासोरस का आकार काफी विशालकाय होता है और जिसके सामने एक एडल्ट टीरेक्स भी बच्चा के समान लगता। इस हाइब्रिड शिकारी का कोड नेम ग्रेव डिगर यानी दूसरों की कब्र खोदने वाला जीव होता है। वही किंग कॉन्ग एक विशाल आकार का वानर है जिसे स्कल आइलैंड का रक्षक भी माना जाता है और उस आइलैंड में कॉन्ग ने कई प्रकार के मॉन्स्टर का सामना करते बिताया है ताकि आइलैंड में रहने वाले दूसरे जीव सुरक्षित रह सके, और इन्हीं कारणों से कॉन्ग को वहां के लोग भगवान की तरह पूजते हैं। अगर दोनों मॉन्स्टर की शारीरिक बनावट और आकार की बात करें तो एक और अल्टिमासोरस दिखने में किसी डरावना दानव से कम नहीं लगता, क्योंकि इसके निर्माण में शक्तिशाली और अकलमंद टीरेक्स, मजबूत सींगों वाला ट्राइसेराटॉप्स, तेज और धारदार नाखूनों वाला वेलोसिरेप्टर, मजबूत ढाल वाला एंकिलोसोरस और विशालकाय तथा पर्वत समान स्टेगोसोरस के डीएनए शामिल हैं, जिस कारण इसकी बनावट के साथ साथ इसकी शक्तियां भी लाजवाब है, क्योंकि इसके सिंग ट्राइसेराटॉप्स की तरह, शरीर तथा बाइट फोर्स टीरेक्स की तरह, आर्म्स तथा क्लोज वेलोसिरेप्टर की तरह, आर्मर पीट एंकिलोसोरस की तरह और पूंछ स्टेगोसोरस की तरह है। इसके साथ ही इस हाइब्रिड जीव की लंबाई 21 मीटर यानी 70 फीट, ऊंचाई 11 मीटर यानी 36 फीट और ये वजन में करीब 22 टन के होते हैं। वहीं कॉन्ग दिखने में किसी विशालकाय गोरिल्ला की तरह लगता है, पर इसके विशाल आकार के कारण इसे डर का दूसरा रूप भी कहा जा सकता है। पर इसके आकार को निश्चित कभी नहीं किया गया, क्योंकि हर मूवी में इसका आकार बढ़ते दिखाया गया है। पर साल 2017 में आई स्कल आइलैंड के अनुसार इसका आकार 104 फीट बताया गया है, पर गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग में इसे 335 फीट तक दिखा दिया गया है। पर आकार चाहे जो भी हो, लेकिन इसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं बताई गई है, इसलिए अपने छोटे आकार होने के बावजूद भी इसने एक विशालकाय चट्टान को भी गिरा दिया था। पर हम इस बैटल में इसके मध्यम आकार यानी 104 फीट को ही लेते हैं। अब आकार से तो स्पष्ट होता है कि कॉन्ग अल्टिमासोरस से 30 फीट ज्यादा लंबे हैं। पर लड़ाई जीतने के लिए सिर्फ आकार मायने नहीं रखती, क्योंकि अगर इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो एक अल्टिमासोरस का पूरा शरीर इस प्रकार बना है जिसके आगे किसी भी धारदार हथियार या कई गोलियां बेकार हो जाएगी, क्योंकि एंकिलोसोरस के डीएनए के कारण इसके पीठ काफी मजबूत हैं। वहीं कॉन्ग कितना ड्यूरेबल है ये हमें इसी बात से पता चलता है कि इसने कई बुलेट्स के वार को काफी आसानी से झेल लिया था। यानी ड्यूरेबिलिटी में दोनों जीवों का कोई मुकाबला नहीं है और ये दोनों मॉन्स्टर काफी ड्यूरेबल हैं। वहीं रफ्तार के मामले में कॉन्ग का मुकाबला कर पाना किसी भी डायनासोर की बस की नहीं थी, क्योंकि कॉन्ग एक घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, लेकिन अल्टिमासोरस एक घंटे में मात्र 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। इसलिए रफ्तार में कॉन्ग को हरा पाना अल्टिमासोरस की बस की नहीं है। पर युद्ध को जीतने के लिए अच्छी बुद्धि काफी मायने रखती है, ताकि एक अच्छी नीति बनाकर किसी को भी मात दिया जाए। और इस मामले में कॉन्ग बेमिसाल है, क्योंकि ये इंसानों की तरह खड़ा हो सकते हैं, इसलिए इसकी बुद्धि काफी हद तक इंसानों के बराबर है। वहीं अल्टिमासोरस भी बुद्धिमान शिकारियों में से एक है, पर कॉन्ग के सामने इसकी बुद्धि काम नहीं देगी। लेकिन दोनों की शक्तियां काफी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अल्टिमासोरस की बाइट फोर्स टीरेक्स के समान होने के साथ साथ ये अपने नुकीले क्लोज से भी काफी चोट पहुंचाने की क्षमता रखती है। वहीं कॉन्ग अपने हाथों से किसी पर भी हमला किया करते हैं और इसके जितना फंक्शनल आर्म अल्टिमासोरस के पास नहीं है, इसलिए लड़ाई में कॉन्ग अपने मजबूत हाथों से अल्टिमासोरस से लड़ेगा।
तो जब कभी अल्टिमासोरस कॉन्ग के सामने आएगा तो वो जोरों से दहाड़ कर कॉन्ग की तरफ भागेगा। और कॉन्ग अगर इस डायनो को रोक पाता है तब तो ठीक, क्योंकि इसका बाइट फोर्स इतना शक्तिशाली है जिसके एक वार से कॉन्ग को काफी नुकसान पहुंचेगा। पर जब कॉन्ग भी इसे अपने हाथों से उठाकर पटकना चाहेगा तब अल्टिमासोरस अपने पंजों से इस पर हमला करेगा, जिससे कॉन्ग काफी परेशान हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग के हर वार को अल्टिमासोरस झेल लेगा। लेकिन जब कॉन्ग इस पर बड़े बड़े चट्टानों से लगातार हमला करता रहेगा, वैसे ही स्थिति में अल्टिमासोरस की हार संभव है, नहीं तो अल्टिमासोरस जल्दी से हार नहीं मानेगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर लिखें।